हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 2 का एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। ये सब्जेक्ट बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम प्रोग्राम में पढ़ाया जाता है, सेमेस्टर 3 में या फिर सेमेस्टर 4 में। तो अभी सेमेस्टर 3 के एग्ज़ाम हैं, सोल के हों, रेगुलर के हों या एनसीवेप के हों। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो इसका पैटर्न किस तरह का रहने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे। ये 75 मार्क्स का पेपर है आप लोगों का, और दो पार्ट्स होंगे आपके क्वेश्चन पेपर के, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 10 मार्क्स ईच के रहेंगे, 3 क्वेश्चन, और पार्ट बी के 15 मार्क्स ईच के 3 क्वेश्चन रहेंगे। इट मींस आपका 30+45 75 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। दोनों ही पार्ट में 5-5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 3-3 करने हैं। जो पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इसमें एक पैराग्राफ आप लोगों को दिया गया है जो कि कॉफ़ी से रिलेटेड है। इस पैराग्राफ को पढ़कर आपके कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। टोटल 5 क्वेश्चन हैं, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको 2-2 मार्क्स में देना है। जैसे हाउ वॉज कॉफ़ी डिस्कवर्ड, व्हाट एक्सप्लेन द हाई ग्रोथ ऑफ कॉफ़ी प्रोडक्शन इन ब्राज़ील, नेम 5 कंट्रीज विच आर मेजर प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफ़ी, How has coffee cultivation been affected by climate change? और describe the damage to the environment from coffee processing. तो ये first question है जिसके 5, जिसमें unseen passage है और जिसमें से आपको 5 question करने हैं। 10 marks का आपका first question हो गया। Second question आपका fill in the blanks हैं। ये fill in the blanks आप लोगों की given है, और bracket में कुछ words भी given है। हर फिल इन द ब्लैंक्स में ब्रैकेट में 2 वर्ड्स गिवन है, जिसमें से कोई एक आपको यहाँ फिलअप करना है। तो आपको चूज़ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल, केयरलेस स्टूडेंट्स आर डैश बॉदर्ड टू प्रिपेयर फॉर देयर एग्ज़ाम, आर लास्ट बॉर्डर या लीस्ट बॉदर्ड। तो मेरे अकॉर्डिंग लीस्ट आएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, टोटल 10 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जिसमें ब्रैकेट्स में दिए गए वर्ड्स में से ही आपको चूज़ करके फिल इन द ब्लैंक फिलअप करनी है। जैसे द बस कंडक्टर आस्क्ड फॉर द पैसेंजर फॉर द डैश ऑफ द जर्नी, फेयर होगा या फेयर होगा, जो भी है आपको चूज़ करना है। अब जैसे और नीचे आता हूँ मैं, डैश फ्यूअर फैमिलीज स्पेंड टाइम टुगेदर, नाव या नाव कौन सा होगा वो आपको बताना है। जैसे इल्मा वॉज डैश एट नॉट बीन गिवन द प्राइज फॉर ऑलराउंडर ऑफ द बैच, तो ये डिसअपॉइंटेड होगी या अपॉइंटेड होगी? ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड होगी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑलराउंडर का प्राइस नहीं मिला, तो डिसअपॉइंटेड होगी। तो इस तरीके से आपको टोटल 10 फिल इन द ब्लैंक हैं, ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स का वर्ड्स में से ही आपको चूज़ करके वो फिल इन द ब्लैंक करनी है। इसके बाद हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन, फॉर्म द क्वेश्चन फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ 5 स्टेटमेंट्स आप लोगों की गिवन है, इनके क्वेश्चन बनाने हैं आपको। कैसे बनाने हैं, ऊपर एक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट गिवन है, ऋषि वाल्मीकि रोट द एपिक रामायण। अब क्वेश्चन बना दिया इसका, हु रोट रामायण, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे गिवन है, असाइनमेंट हैज़ टू बी सबमिटेड ऑन फ्राइडे। इसका आपको क्वेश्चन बनाकर लिखना है कि असाइनमेंट कब सबमिट होंगे। आंसर दिया गया है कि असाइनमेंट जो है वो फ्राइडे को सबमिट होंगे, इसका क्वेश्चन आपको बनाने हैं। येस द टेम्परेचर आउटसाइड इज़ 42 डिग्री सेल्सियस, बाहर क्या ज़्यादा गर्मी है, या बाहर का टेम्परेचर कितना है, क्या बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनाना है। आई कैन डांस टू एनी ट्यून, इसका क्वेश्चन बनाना है, कैन यू डांस। इस तरीके से टोटल 5 स्टेटमेंट हैं, इसके क्वेश्चन आपको फॉर्म करने हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 है, एक स्टेटमेंट 2 मार्क्स की है, इस तरीके से 10 मार्क्स आपके क्वेश्चन 3 के हो गए। इसके बाद हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें आप देख सकते हो, कंप्लीट द डायलॉग गिवन बिलो बिटवीन 2 इंडिविजुअल एक्स एंड वाई बाय चूजिंग सुटेबल वर्ड्स एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग बॉक्स टू फिल इन द 5 ब्लैंक्स। अब यहाँ पे एक्स एंड वाई के बीच कुछ डायलॉग हैं, वो आपको कंप्लीट करना है, और डायलॉग में जो वर्ड्स आएंगे वो आपको जो बॉक्स के अंदर वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से चूज़ करने हैं। जैसे गुड मॉर्निंग, हाउ मे आई हेल्प यू, वाई बोलता है डैश आई वॉन्ट अ डेंटल अपॉइंटमेंट फॉर टुमारो मॉर्निंग। यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, सॉरी आएगा, प्लीज़, श्योर, या गुड मॉर्निंग आएगा, थैंक यू आएगा? तो मेरे अकॉर्डिंग तो गुड मॉर्निंग ही आना चाहिए। इसके बाद एक्स डैश टू से दैट इट इज़ नॉट, डैश टू से दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वुड आई पी एम बी कन्वीनियंट फॉर यू, यहाँ पे मिस प्रिंट है तो थोड़ा मिसिंग है यहाँ पे।
यहाँ पर टाइमिंग लिखी गई होगी कोई सी, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी आएगा बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे सॉरी का वर्ड यहाँ पे सेंटेंस में फिल होगा। इसके बाद वाई कहते हैं डैश इट विल बी कन्वीनियंट, तो श्योर बोल सकता है या थैंक यू भी बोल सकता है, आई थिंक श्योर ज़्यादा यहाँ पे सूटेबल है। फिर एक्स बोलेंगे डैश वेट व्हाइल आई राइट अ स्लिप फॉर यू, हेयर इट इज़, प्लीज़ वेट, ठीक है, मैं आपके लिए स्लिप बनाता हूँ। इसके बाद लास्ट है वाई बोलता है थैंक यू, तो ये पूरा आंसर भी मैंने आपको साथ साथ समझा दिया, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है यूज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो टू राइट अ पैराग्राफ ऑफ 100 वर्ड्स ऑन द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ कोनूर, इन सेंटेंस गिवन है यहाँ पे लोकेशन कहाँ कहाँ पर है नाइजीरिया की, तो कुछ अलग अलग यहाँ पे चीज़ें गिवन है प्लेस के बारे में, कुछ स्टेट्स गिवन है, इनकी मदद से आपको 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इनकी मदद से। इस तरीके से पार्ट ए के 5 क्वेश्चन ख़त्म, जिनमें से कोई 3 आपको करने थे। अब पार्ट बी शुरू होता है जो कि 15 मार्क्स ईच का क्वेश्चन है, इनमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से कोई 3 आपको करने होंगे। क्वेश्चन 6 से रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इन ब्रीफ यूजिंग योर ओन वर्ड्स एज फार एज पॉसिबल। बेसिकली यहाँ पर भी एक पैसेज गिवन है, ऑन मार्च 15 अ न्यूज़पेपर रिपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ अ 1 किलोमीटर वाइड क्रेटर इन द रन ऑफ कच बाय अ फॉलोइंग मेटेरॉइड। बेसिकली एक पैराग्राफ यहाँ पे गिवन है और उससे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने होंगे, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चंस पे आ देता हूँ, ये आप देख सकते हो, व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ द न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है बेसिकली एक जो ऊपर गिवन है, इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। टोटल यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन गिवन है, तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा अगर आप ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो, ठीक है, ये अनसीन पति जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है, कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट गिवन सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर गिवन इन द ब्रैकेट्स आफ्टर ईच ब्लैंक। तो 7th क्वेश्चन में वही चीज़ है, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है आपको, और इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड्स आप यूज़ करोगे उसके ऑप्शन भी आपको यहाँ पे गिवन है, इन्हीं में से कोई एक वर्ड यहाँ पे आएगा। जैसे मॉस्किटोस डैश डिस्टर्बिंग मी टिल आई अप्लाइड डैश द डैश मॉस्किटो रिपेलेंट ऑइंटमेंट, तो ये आर या वर आई थिंक ज़्यादा सूटेबल रहेगा, टिल आई अप्लाइड द या अप्लाइड अ मॉस्किटो रिपेलेंट ऑइंटमेंट। तो जो भी है आपको इन जो वर्ड्स गिवन है ब्रैकेट में, इनमें से ही कोई एक वर्ड यहाँ लिखना है, इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक आपको कंप्लीट करनी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो द डैश टाइम डैश विजिट अ हिल स्टेशन इज वैन वी वॉन्ट टू स्केप अ हॉट समर, द गुड टाइम या द बेस्ट टाइम, आई थिंक बेस्ट ज़्यादा सूटेबल है, द बेस्ट टाइम टू विजिट अ हिल स्टेशन, 4 और 2 में से 2 ज़्यादा सूटेबल लगता है। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे 10 फिल इन द ब्लैंक हैं जो कि 15 मार्क्स की हैं क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपको करनी है। इसके बाद 8th क्वेश्चन है क्रिएट अ डायलॉग फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, तो 8th क्वेश्चन के आपके कुछ पार्ट्स गिवन है, आई थिंक 3 पार्ट्स हैं, आपको डायलॉग क्रिएट करना है, ठीक है, डायलॉग क्रिएट करना है, क्रिएट अ डायलॉग फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, 5 मार्क्स का एक पार्ट रहेगा। You have learned there is a metro station close to your college. How would you approach any college student to guide you to it? ठीक है, ये आपको पता चला है कि आपके कॉलेज के नियर बाय मेट्रो स्टेशन है, तो किसी भी कॉलेज स्टूडेंट को आप कैसे गाइड करोगे? और यू हैव सेवरल प्लांट्स ऑन योर बालकनी प्लांट्स, अ नेबर अक्रॉस द रोड हैज़ एन आई ग्रेबिंग गार्डन, प्लीज़ राइट हाउ यू वुड प्रेज हर टैलेंट एंड गैदर हिंट्स फ्रॉम हर टू इम्प्रूव योर कलेक्शन। यू हैव रिसेंटली मूव्ड इन टू अ फ्लैट इन अ कॉलोनी, इमेजिन आस्किंग योर नेबर फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फैसिलिटीज ऑफ बैंक अ मेडिकल स्टोर एंड अ ग्रोसरी स्टोर। बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डायलॉग राइटिंग करनी है। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो यहीं तक का है, इसके आगे भी 2 क्वेश्चन आपके चॉइस में आएंगे, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर इन द वीडियो कि दोनों ही पार्ट में 5 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से कोई 3 आपको
करने होंगे। तो 8 क्वेश्चंस तो डिस्कस कर लिए मैंने आपके साथ, बाकी के 2 क्वेश्चंस भी आपके समहाव इसी चीज़ से रिलेटेड होंगे, कोई फिरिंदा ब्लैंक्स वगैरह हो सकती है एटसेट्रा एटसेट्रा, या फिर कोई शॉर्ट पैराग्राफ भी आपसे अगेन पूछा जा सकता है, कोई भी सिचुएशन दी जाए उसके ऊपर शॉर्ट पैराग्राफ लिखो, या फिर कोई जॉब एप्लीकेशन भी आपसे आ सकती है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, जॉब इंटरव्यू की एप्लीकेशन आपसे लिखने की पूछी जा सकती है, जॉब एप्लीकेशन लिखने को पूछी जा सकती है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे, जनरल क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश है। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।